नवाजुद्दीन सिद्दीकी गांव में बने किसान। सिर पर साफा बांधे खेतों में काम करते नजर आए नवाजुद्दीन। ये वीडियो आज खूब वायरल हुआ। ये हो गया, ये पानी नहीं जाएगा फिर। ऋचा चड्ढा ने साल 2020 को मनहूस करार दे दिया है। इस साल उनकी शादी अली फजल से होनी थी। ऋचा चड्ढा ने मीम के सहारे बयां किया अपना दर्द। ऋचा ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक मीम शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह साल 2020 उनके लिए मनहूस रहा। सोनू निगम के आरोपों पर भूषण की पत्नी दिव्या कुमार खोसला ने दिया जवाब। दिव्या ने सोशल मीडिया के जरिए सोनू निगम की धमकी का जवाब दिया है। दिव्या ने दो स्टोरी शेयर की है जिनमें वो कहती दिख रही है कि टी सीरीज ने सोनू निगम को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और सोनू ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। इस लंबे पोस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको बता दे कि सोनू ने 22 जून की सुबह इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, लातों के माफिया बातों से नहीं मानते। वीडियो में उन्होंने भूषण कुमार का नाम लिया और कहा कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा लिया है। कटरीना कैफ के आज एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जहां उन्होंने एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के रिलीज के वक्त यानी कि 2016 में सुशांत सिंह राजपूत के काम की तारीफ की थी। व्हिच यंग एक्टर डू यू एडमायर द मोस्ट इन करंट इंडस्ट्री? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई बिलीव दैट सुशांत वाज वेरी वेरी गुड इन धोनी व्हिच जस्ट रिलीज्ड एंड आई मेट माय फ्रेंड गट्टू अ फ्यू डेज बैक हु इज ऑफ कोर्स द डायरेक्टर ऑफ फितूर हु आई वर्कड विद रिसेंटली. And he said that he has done some amazing work. So I believe, congratulations to him. नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस में अब फॉर्मर मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने रखी अपनी बात। सुष्मिता सेन ने ट्विटर पर आस्कारिया सेशन किया जिसमें एक फैन ने उनसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर एक सवाल पूछा तो जवाब में सुष्मिता ने लिखा, मैं अपने दर्शकों पर फोकस करती हूँ, आप लोगों पर। मैं तब तक बतौर एक्टर काम करती रहूँगी जब तक आप लोग मुझे देखते रहेंगे। दीपिका पाडुकोण ने पैपराजी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से आड़े हाथों लिया। पैपराजी ने एक वीडियो शेयर करते हुए हिदायत की, उनका वीडियो उनके परमिशन के बगैर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं। इस कैप्शन को पढ़कर दीपिका भड़की। पैपराजी से सवाल पूछे कि उनका सुशांत के परिवार से परमिशन लिए बगैर वीडियो को मोनेटाइज करना और कॉपीराइट करना कितना सही है। एमएस धोनी की बायोपिक में सुशांत सिंह राजपूत की बहन का रोल अदा कर चुकी अदाकारा भूमिका चावला ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की एक तस्वीर को शेयर करके इमोशनल पोस्ट लिखा है। साथ ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि जो चले गए उनकी सम्मान करे, पॉजिटिविटी फैलाए और सुशांत की मौत पर ज्यादा डिस्कशन ना करे। करण जौहर को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। कॉफी विद करण सीजन 7 बैन होने की खबरें आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद करण जौहर और उनका शो कॉफी विद करण लोगों के निशाने पर आ गया है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक इस शो को लेकर हो रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसके 7वें सीजन को हाल फिलहाल शूट नहीं करने का फैसला किया है। मॉडल मरीना कुंवर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल सोनू निगम ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार को लथाड़ते हुए मरीना कुंवर का जिक्र किया था। अब मरीना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में है। मरीना ने एक ट्वीट कर अपनी जिंदगी में हुए अनचाही वारदातों का जिक्र किया है, साथ ही तनाव में होने की बात कही। क्या कहा था सोनू निगम ने, सुनाते हैं आपको। मरीना कुंवर याद है ना? मरीना कुंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा? मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से।
सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। 22 जून को मनोज तिवारी ने पटना पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से मुलाकात की। सुशांत के साथ इस स्थिति में उसको पहुंचाने वाली वो घटनाएं क्या थी, इसके लिए हम सब एक उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें सारे तथ्यों का हम धरातल पे जा कर के जांच कर सकें, उसका निर्णय हो सके और इस देश के और किसी प्रतिभा को ऐसा दिन न देखना पड़े। हम इसके लिए जांच की बता रहे हैं।